हेलो दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप? आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आई जाने छत्तीसगढ़ व्यापम द्वारा वर्ष 2019 में होने वाली प्रवेश परीक्षाओं की ऑनलाइन तिथियां, जैसे अंतिम तिथि एवं प्रारंभिक तिथियां निकल चुकी हैं। आप यदि इन परीक्षाओं में भाग लेना चाहते हैं तो अंतिम तिथि से पहले ऑनलाइन आवेदन कर दें, अन्यथा आपको पछताना पड़ सकता है। तो चलिए देख लेते हैं पूरा वीडियो। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की खबरों के लिए यूट्यूब चैनल मोर क्रिएटिव को रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें तथा नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको शीघ्रता से मिले। चलिए देखते हैं पूरी वेबसाइट पर क्या दिया है। कार्यालय छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर, अटल नगर रायपुर, और ये वेबसाइट पर अपलोड हुआ है 14 मार्च 2019 को। प्रेस विज्ञप्ति, व्यापम द्वारा वर्ष 2019 में आयोजित की जाने वाली प्रवेश परीक्षाओं की ऑनलाइन आवेदन की तिथि के संबंध में छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल अटल नगर रायपुर द्वारा राज्य शासन से संचालित विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों हेतु प्रवेश परीक्षाओं की ऑनलाइन आवेदन एवं परीक्षा की तिथि निम्नानुसार है। चलिए देखते हैं परीक्षा का नाम, परीक्षा की तिथि या दिन, और ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभिक तिथि, और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि, और ये वर्ष 2019 के लिए। ठीक है, कौन कौन सी परीक्षाएं होंगी एक बार नज़र घुमा लेते हैं हम। पीईटी की होगी, पीपीएचटी होगी, पीपीटी होगी, और प्री एमसीए होगी, और फिर पीएटी होगी, और प्री बीएड होगी, प्री डीएलएड होगी, फिर प्री बीएससी होगी नर्सिंग के लिए, और फिर प्री बीए और बीएड, बीएससी, बीएड तथा एमएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक नर्सिंग। इस प्रकार से लगभग 11 परीक्षाएं होंगी और सब वेल एजुकेटेड परीक्षाएं हैं, इससे आदमी का भविष्य संवरता है। तो जान लेते हैं इनकी तिथियां। पीईटी के लिए परीक्षा की तिथि है 2 मई 2019, प्रथम पाली गुरुवार को होगी, और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभिक तिथि है 19 मार्च 2019 मंगलवार को, और अंतिम तिथि 7 अप्रैल 2019 रविवार तक आप पीईटी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। फिर पीपीएचटी के लिए परीक्षा होगी 2 मई 2019 को द्वितीय पाली में, गुरुवार को होगी परीक्षा, और फॉर्म आप ऑनलाइन कब से भर सकते हैं? 19 मार्च 2019 मंगलवार से, और अंतिम तिथि है फॉर्म भरने की 7 मार्च 2019 रविवार तक। फिर पीपीटी के लिए परीक्षा होगी 9 मई 2019 को प्रथम पाली में, गुरुवार के दिन, इसके लिए आप ऑनलाइन फॉर्म कब से भरेंगे? 26 मार्च 2019 से 14 अप्रैल 2019 तक फॉर्म भर सकते हैं। फिर देखेंगे हम प्री एमसीए, उसकी एग्ज़ाम होगी 9 मई द्वितीय पाली में, गुरुवार के दिन, और फॉर्म आप कब से भरोगे? 26 मार्च 2019 से लेकर के 14 अप्रैल 2019 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। फिर पीएटी के लिए, पीएटी की जो परीक्षा होगी 30 मई को होगी प्रथम पाली में, गुरुवार के दिन, और इसके लिए आप फॉर्म भर सकते हैं 29 मार्च 2019 से 21 अप्रैल 2019 तक। ठीक है, फिर प्री बीएड के लिए परीक्षा होगी 7 जून गुरुवार को, और इसके लिए आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं 5 अप्रैल 2019 से 28 अप्रैल 2019 तक। ठीक है, फिर प्री डीएलएड की जो परीक्षा होगी 7 जून 2019 को होगी द्वितीय पाली में, और आप फॉर्म भरें 5 अप्रैल से फॉर्म भर सकते हैं, और 28 अप्रैल तक अंतिम तिथि तक फॉर्म जमा कर सकते हैं, वो भी ऑनलाइन। फिर प्री डीएलएड के लिए परीक्षा होगी 7 जून को, इसके लिए फॉर्म आप भरोगे 5 अप्रैल से, और अंतिम तिथि है 28 अप्रैल 2019 तक। ठीक है, और फिर प्री बीएससी नर्सिंग के लिए परीक्षा होगी 16 जून प्रथम पाली में, और अब फॉर्म भरने की शुरुआत तिथि है 9 अप्रैल 2019 और अंतिम तिथि 5 मई 2019 तक। ठीक है, फिर प्री बीएड
बीएससी बीएड इसकी एग्ज़ाम होगी 16 जून को द्वितीय पाली में। फॉर्म आप कब से भर सकते हैं? 9 अप्रैल 2019 से 5 मई 2019 तक आप फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं। फिर एमएससी नर्सिंग के लिए जो परीक्षा होगी आपकी 23 जून को होगी द्वितीय पाली में, मतलब दोपहर के बाद। ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो शुरुआत तिथि है 9 अप्रैल 2019 और अंतिम तिथि होगी 5 मई 2019। उसके बाद पोस्ट बेसिक नर्सिंग के लिए जो एग्ज़ाम होगी आपकी 23 जून 2019 को होगी द्वितीय पाली में, रविवार के दिन। और आप फॉर्म कब से भर सकते हैं इसमें? 9 अप्रैल 2019 से 5 मई 2019 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। ये लगभग 11 परीक्षाएं हैं, बहुत इम्पोर्टेंट परीक्षाएं हैं और काफ़ी विद्यार्थी इसमें भाग लेते हैं। आप भी यदि इन परीक्षाओं को देना चाहते हैं तो तैयारी आपने शुरू कर ही दी होगी, लेकिन वेबसाइट पर शासन ने इसका पूरा ब्यौरा दे दिया है, कब से आप फॉर्म भरोगे, कब आपकी परीक्षा होगी। और यदि आप इस एग्ज़ाम में जाना चाहते हैं तो वीडियो देख करके फॉर्म भरने की तैयारी शुरू कर दे, क्योंकि शुरुआत में 19 मार्च 2019 से फॉर्म भरना चालू हो जाएगा। 19 मार्च आने को ज़्यादा टाइम नहीं है, होली के पहले ही आप फॉर्म भरना चालू कर सकते हैं। अब देखते हैं टिप्पणी क्या लिखी है। कृपया उक्त विज्ञप्ति परीक्षार्थियों के हित में अपने लोकप्रिय दैनिक समाचार पत्र में एवं प्रदेश से मुद्रित होने वाले सभी संस्करणों में समाचार वृत्त के रूप में प्रकाशित करने का कष्ट करें। डॉक्टर प्रदीप चौबे, सलाहकार, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल, रायपुर। इस प्रकार से पूरी जानकारी थी। आपको इसका पूरा लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी इसे अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं और फॉर्म भरने की तैयारी चालू कर सकते हैं। इस प्रकार से अपडेट था। यदि आपको अपडेट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की खबरों के लिए यूट्यूब चैनल मोर क्रिएटिव को रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें तथा नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको शीघ्रता से मिले। तो मिलते हैं सर अगले इसी प्रकार आपके काम की खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।